एक ऐसा शहर जहां आप माँ को किराए पर ले सकते हैं, और एक ऐसा शख्स जिसे खुद को जिंदा साबित करने में 18 साल लग गए, और एक ऐसी डॉल्फिन जिसे एक लड़की से प्यार हुआ और जब उसे उस लड़की से जुदा किया गया तब उस डॉल्फिन ने जो किया उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जो फिल्मी दुनिया में आने से पहले गुंडा हुआ करता था, कौन है वो सुपरस्टार, जानने के लिए बने रहिएगा हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। हमारे देश की कानून व्यवस्था भी बड़ी निराली है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक जीवित शख्स को खुद को जीवित साबित करने में 18 साल लग गए। दरअसल पूरा मामला ये है कि लाल बिहारी नाम के इस शख्स के रिश्तेदारों ने पुश्तैनी जमीन हासिल करने के लिए उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा डाला। इस तरह से लाल बिहारी कानून की नजरों में मृत हो गए। लाल बिहारी को जब खुद के डेथ सर्टिफिकेट के बारे में पता चला तब उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्हें खुद को जिंदा साबित करने के लिए कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। एक जिंदा शख्स खुद को कोर्ट में आकर ये कहता रहा कि वो जिंदा है, इसके बावजूद कोर्ट को लाल बिहारी को जीवित घोषित करने में 18 साल लग गए। कोर्ट के द्वारा जिंदा घोषित किए जाने के 27 साल बाद 66 साल के लाल बिहारी अब फिर से 56 साल की अपनी पत्नी कर्मी देवी के साथ दोबारा शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कागज में उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए लाल बिहारी का कहना है कि पुनर्जन्म के बाद पुनर्विवाह भी जरूरी है। नंबर 8। कर्नाटक के रहने वाले रवि होंगल को अपने प्रोफेशन से इतना ज्यादा प्यार है कि किसी प्रोफेशन के प्रति ऐसा प्यार आपने कभी नहीं देखा होगा। रवि होंगल को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था। बड़े होने पर उन्होंने अपनी इस हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदल लिया और फोटोग्राफर बन गए। फोटोग्राफी के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर है कि उन्होंने अपने घर को कैमरे के डिजाइन में बनाया है। कैमरे के लेंस की जगह पर इन्होंने घर की खिड़की बनवाई है और घर के बाकी डिजाइन भी कैमरे के पार्ट्स को दर्शाते हैं। इनके इस घर का नाम है क्लिक। लेकिन फोटोग्राफी के प्रति इनका प्यार सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने फैमिली को भी इस प्यार में शामिल कर लिया। उन्होंने अपने बच्चों के नाम एप्सन, कैनन और निकॉन रखे हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7। कहते हैं कि दुनिया में पैसे से हर कुछ खरीदा जा सकता है, बस रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन अब ये बात भी गलत साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो फिर आप अपने लिए माँ खरीद सकते हैं। ब्रुकलिन के रहने वाली नीना केनियली नाम की एक महिला ने इस सर्विस की शुरुआत की, जिसमें वो युवाओं को माँ किराए पर देती हैं। इस सर्विस से जुड़ी औरतें $40 प्रति घंटे की दर से अपनी माँ बन सकती हैं और फिर किराए की ये माँ रियल माँ की तरह आपके लिए घर का खाना बनाती हैं, आपके साथ बैठकर आपसे बातें करती हैं, आपकी बातें सुनती हैं, जरूरत पड़ने पर आपको सलाह भी देती हैं और आपके काम में मदद भी करती हैं। शहर में अकेले रहने वाले युवाओं के लिए अपनी माँ की कमी को दूर करने का ये बेहतर तरीका है। नंबर 6। डेड मैन फिंगर फंगस एक ऐसा फंगस है जिसे देखकर अच्छे खासे इंसान के भी होश उड़ सकते हैं। ये फंगस जमीन के नीचे से इस तरह से निकलता है जिससे पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि किसी मरे हुए इंसान को दफनाने के बाद उसका हाथ बाहर निकल चुका है। इस तरह से दिखने के कारण ही इसका नाम डेड मैन फिंगर फंगस रखा गया। वैसे साइंटिफिकली इसे ज़ाइलेरिया पॉलीमॉर्फा के नाम से जाना जाता है। ये खौफनाक फंगस फॉरेस्ट और वुडलैंड एरिया में पाया जाता है। आमतौर पर ये फंगस सड़ चुके पेड़ की जड़ों से विकसित होता है। नंबर 5। भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल की परवरिश इतनी गरीबी में हुई है कि वो कई बार उनके परिवार के पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। रानी रामपाल के पिता तांगा चलाते थे, वहीं उनकी माँ नौकरानी का काम किया करती थी। रानी रामपाल जहाँ हॉकी की प्रैक्टिस करने जाती थी वहाँ सभी खिलाड़ियों को अपने साथ 500 ml दूध लाना जरूरी होता था, लेकिन गरीबी के कारण रानी को केवल 200 ml दूध ही मिल पाता था। 200 ml दूध देखकर कोच गुस्सा होकर उन्हें टीम से निकाल दे। इस डर से रानी 200 ml दूध में 300 ml पानी मिलाकर उसे 500 ml कर लिया करती थी। रानी को प्रैक्टिस के लिए हर दिन सुबह उठना होता था, लेकिन उनके घर में टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं थी, जिस कारण उनकी माँ सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी और फिर आसमान की रोशनी देखकर टाइम का अंदाजा लगाकर रानी को प्रैक्टिस के लिए जगाया करती थी। रानी रामपाल के संघर्ष को हमारा सलाम। हमारे देश के युवाओं को रानी जैसी रियल हीरो से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नंबर 4। भारत सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच एक ऐसे एक्सप्रेस वे के निर्माण पर विचार कर रही है जिसके बन जाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। भारत सरकार इन दोनों बड़े शहरों के बीच 1300 किलोमीटर लंबा ई हाईवे बनवाना चाहती है। इस ई हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हैं। इस हाईवे पर
पर 670 वोल्ट डायरेक्ट करंट ओवरहेड केबल्स लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक ट्रक और बस चलते हुए ही अपनी बैटरी चार्ज कर सकेंगे। इससे आधुनिक हाईवे के बन जाने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% तक की कमी आएगी। इसके साथ ही वक्त की भी बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा तो एनवायरमेंट का होगा। इस तरह के ई हाईवे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश में पोल्यूशन की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है। नंबर 3, फिल्मी दुनिया में आने वाले हर कलाकार के संघर्ष की अपनी एक अलग कहानी होती है, लेकिन संघर्ष की कहानी जो कहानी जैकी श्रॉफ की है उस पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैकी श्रॉफ ने फिल्मी दुनिया में आने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। वो एक लोकल गुंडा थे और गुंडागर्दी की दुनिया में ही मस्त थे। गुंडागर्दी की दुनिया में इन्हें जग्गू दादा के नाम से जाना जाता था। एक दिन जग्गू दादा बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़े थे। इसी दौरान एक आदमी ने इन्हें टोका और इनसे पूछा कि मॉडलिंग करोगे। इस पर जैकी श्रॉफ ने कहा कि पैसे देगा। इस दिन के बाद से ही जैकी श्रॉफ की किस्मत बदल गई और वो जग्गू दादा से जैकी श्रॉफ बन गए। मॉडलिंग में उन्हें किस्मत से मौका तो मिल गया, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें अपनी पहचान बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। नंबर 2, डॉल्फिन इंटेलिजेंट तो होती ही है, साथ में इनके अंदर इंसानों की तरह ही फीलिंग्स भी होती है। 1965 में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए मार्गरेट हॉवी नाम की एक लड़की को पीटर नाम के एक डॉल्फिन के साथ वक्त बिताने के लिए कहा गया। ये दोनों साथ में काफी सारे वक्त बिताने लगे और मार्गरेट पीटर को कई सारी चीजें सिखाने लगी। इसी दौरान पीटर को मार्गरेट से प्यार हो गया और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद दो फीमेल डॉल्फिन्स लाई गई जिसे पीटर के साथ रखा गया। लेकिन पीटर इन दोनों फीमेल डॉल्फिन्स के साथ संबंध बनाने के बजाय मार्गरेट के साथ ही ऐसा करने की कोशिश करता रहा, जिस कारण इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोक दिया गया और पीटर को फ्लोरिडा के डॉल्फिन टैंक में भेज दिया गया। मार्गरेट से जुदा होने के कुछ हफ्ते बाद ही पीटर की मौत हो गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि पीटर ने जानबूझकर अपनी सांसें रोककर आत्महत्या कर ली थी। मरने की वजह जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि पीटर मार्गरेट की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए। नंबर 1, इंसान की जिद क्या होती है वो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। चीन के इस हाईवे के बीचों बीच मौजूद ये 5 मंजिला मकान एक ऐसे जिद्दी शख्स की है जो किसी भी कीमत पर अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सरकार ने इस शख्स को मुआवजे के तौर पर काफी सारे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन इसने अपना फैसला नहीं बदला। दोनों ओर से हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और बस ये घर इस हाईवे के चालू होने में दीवार बना हुआ था, लेकिन फिर भी ये शख्स घर खाली करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लाख कोशिशों के बावजूद जब इस शख्स ने अपना घर खाली नहीं किया, तब हार मानकर घर के बगल से सड़क का निर्माण करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।